The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about testing of coronavirus. बहुत सारे सवाल हैं, बहुत important सवाल हैं. सबके मन में यही सवाल है कि अगर हमें infection है या नहीं है, हम कैसे जानें? और क्या ये टेस्ट, PCR टेस्ट, रैपिड टेस्ट, कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा रिलायबल है और क्यों? और उन टेस्ट के पीछे का साइंस क्या है, बेसिस क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं? देखिए, यहाँ पर वी हैव टू मेन टेस्ट. अभी दो प्रकार के टेस्ट हैं कोरोना वायरस के लिए. एक है मॉलिक्यूलर टेस्ट जो PCR टेस्ट है और एक है सीरोलॉजिकल टेस्ट. सीरोलॉजिकल टेस्ट मतलब एंटीबॉडी टेस्ट. और जब हम बात करें कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट है ये किस के क्या बेसिक है इसका, एक पैंडेमिक लेवल पे पहुंचने के बाद, लिटरली लाखों लोगों को अफेक्ट करने के बाद पूरी दुनिया में, इतने सारे जगह पे पूरी दुनिया का जांच करना काफ़ी इम्पॉसिबल होता है. इसीलिए आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि क्यों हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट आप लोगों के लिए किसी किसी को टेस्ट करवा रही है, किसी किसी को नहीं करवा रही है. और टेस्ट पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब, नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब, और अगर टेस्ट रिलायबल है कि नहीं है, बहुत ज़रूरी. सबसे पहले PCR यानी मॉलिक्यूलर टेस्ट के बारे में बात करेंगे, वो क्या है और कैसे काम करता है. मॉलिक्यूलर टेस्ट मतलब जो पहला टेस्ट हुआ था, जो आपका CDC ने FDA के साथ अप्रूव करवाया था, वो है आपका, जिसमें हम बेसिकली जो वायरस है उस वायरस का RNA, उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं आपके सैंपल के अंदर. मतलब आपके जबान, आपके गले, आपके सलाइवा, आपके थूक, आपके बलगम, आपके नाक के अंदर का स्वाब, वहाँ का बलगम, उनके सैंपल लेके उसमें देखा जाता है उसमें वायरस, लिटरली वायरस का DNA है कि नहीं, RNA बेसिकली, या RNA वायरस है. तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट. इसका साइंस क्या है, जब एक पेशेंट COVID-19 इन्फेक्शन हो जाता है उसको, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा SARS-CoV-2 वायरस का ये नाम है जो COVID-19 करता है. और ये डिटेक्टेबल होगा उसके ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे. नाक का नेजल स्वैब और मुंह का ओरल स्वैब, ये दोनों लिए जाते हैं. और ऐसे में जब उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो ये मॉलिक्यूलर टेस्ट एक्यूट फेज में दिख जाएगा. एक्यूट फेज मैंने कुछ दिन लगते हैं, 5 दिन 7 दिन, जैसे ये जरूर याद रखिएगा. ऐसा नहीं है कि इमीडिएट गया कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा. थोड़ा दिन लगता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है उस इंक्यूबेशन पीरियड में 5-7 दिन लगते हैं वायरस डिटेक्टेबल होने के लिए. इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट डे टेस्ट होगा. फिर ये आपका सैंपल लेके उसको PCR यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन से उसके अंदर एक सेम टाइप का आइडेंटिफिकेशन प्राइमर डाल के, प्राइमर का मतलब होता है कि वायरस के जैसे आइडेंटिफायर डाल देते हैं कि वायरस का DNA है कि नहीं, वायरस का RNA है कि नहीं, जाके ढूंढो, तो वो ढूंढता है. अगर उसको वायरस का RNA मिल गया तो उसको मल्टीप्लाई 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 करके बड़ा कर देता है, तो हमें दिखने लग जाता है कि हाँ, इसके अंदर वायरस है. जितना ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा उतना ज़्यादा वायरस है, ये बेसिक चीज़ होती है. इस टेस्ट को लग जाते हैं कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक. जी हाँ, अलग अलग लेबोरेटरीज अलग अलग तरीके से इसको करती हैं, और कुछ जैसे एबॉट वाले सिस्टम में 5 मिनट लगते हैं और सीफील्ड वाले सिस्टम में 45 मिनट लगते हैं. इंडिया वाले केस में जब एक जगह से दूसरी जगह सैंपल जाना होता है तो कभी कभी उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऐसे में गलत रिज़ल्ट आने का भी चांसेस होता है कि तुरंत के तुरंत सैंपल मशीन के अंदर नहीं गया. बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्ले करते हैं. और मॉलिक्यूलर टेस्ट आपको क्या बताता है, PCR टेस्ट बताता है कि अगर टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक्टिव इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का, COVID-19 का. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई दूसरा इन्फेक्शन साथ में नहीं हो सकता, दूसरी वायरस नहीं हो सकता. अभी सिर्फ बात हुई है कि कोरोना वायरस का RNA आपके बलगम के अंदर, आपके गले के अंदर, आपके इसके अंदर है, दैट्स इट. उसका मतलब ये होता है. अब इसमें याद रखिए, नेगेटिव रिजल्ट का मतलब अलग होता है और एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे. नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव का क्या मतलब, कि अगर नेगेटिव है उसका मतलब है कि उस सैंपल में जो आपको मिला उसके अंदर कोरोना वायरस का RNA नहीं मिला. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर RNA, आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं हो सकता, फिर भी आपके अंदर वायरस
कम मात्रा में प्रेजेंट हो सकता है कि वहाँ अभी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ कि डिटेक्टेबल हो जाए. तो इसीलिए इसकी एक्यूरेसी की बात करें, इफ टेस्ट रिजल्ट को हम पॉजिटिव आता है तो इसमें 99% चांस है, मतलब 99% चांस है कि आपको इन्फेक्शन है. 1% चांस होता है कि हो सकता है ये फॉल्स पॉजिटिव है, विच मीन्स कि आपको इन्फेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव आ रहा है. 1% चांस है. लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तब ये नहीं बोल सकते कि आपको इन्फेक्शन नहीं है, तब ये बोल सकते हैं कि हो सकता है उस सैंपल में डिटेक्टेबल नहीं रहा, हो सकता है फॉल्स नेगेटिव हो. फॉल्स एग्रीगेट मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन है, सिम्टम है, ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके आसपास कोरोना वायरस का पेशेंट है फिर भी नेगेटिव आ रहा है, उसको बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव. सो ये बेसिक हुआ पीसीआर टेस्ट का, कि पीसीआर टेस्ट हमें इंडिकेट करता है, डिसीजन लेता है डॉक्टर. फिर बातें आती हैं रैपिड टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट क्या है वो. सीरोलॉजिकल टेस्ट डेवलप हो चुके हैं जो कि हमें एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाएगा कि इन्फेक्शन कितना फैला है. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर टेस्ट में जहां पीसीआर हो रहा था वहां पर इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन को तो ढूंढा जा सकता है. सीरोलॉजिकल टेस्ट में एंटीबॉडीज को ढूंढा जा सकता है, मतलब जिसके अंदर एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है उसको भी ढूंढ सकते हैं, और जो रिकवर हो गया, जो इम्यून हो गया उसको भी ढूंढ सकते हैं. जी हाँ, सो सीरोलॉजिकल टेस्ट में ये एडवांटेज है. क्यों? क्योंकि यहां पर ढूंढा जा रहा है एंटीबॉडीज, राइट. सो सीडीसी और एफडीए से अप्रूव हो चुका है ये भी टेस्ट. और सीरोलॉजिकल टेस्ट में एंटीबॉडीज आपके ब्लड में डिटेक्ट किए जाते हैं, जिसको आपके फिंगर टिप प्रिक से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खून यहां से भी निकाला जा सकता है. इसमें क्या साइंस है पीछे, कि जब भी आपके अंदर एक वायरस जाता है आपकी बॉडी उसको फाइट करने के लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है. पहले पहले जो एंटीबॉडीज बनते हैं इनिशियल स्टेज में, पहले कुछ हफ्ते में, उसको बोलते हैं IgM एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन M. तो अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ IgM एंटीबॉडीज मिलता है, उसका मतलब यह है कि आपके अंदर अभी अभी इन्फेक्शन गया है, एक्टिव इन्फेक्शन है. और कुछ टाइम के बाद एंटीबॉडीज लेटर स्टेजेस में IgG एंटीबॉडीज बन जाता है. IgG का मतलब है इन्फेक्शन हो गया और अब खत्म होने लगा है, अब खत्म होने लगा है. तो अगर IgM और IgG दोनों मिल रहे हैं, मतलब काफी टाइम हो गया है और इन्फेक्शन अभी भी प्रेजेंट है, एक्टिव है, और लेकिन दूसरा खत्म भी होने लगा है, और अगर सिर्फ IgG मिलता है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, तो उसका मतलब है कि अब पहले इन्फेक्शन हुआ था, अब ठीक हो चुके हो, IgG है, मतलब हो सकता है आप अब उस इन्फेक्शन से, अब उस वायरस से इम्यून हो, आपके अंदर इम्यूनिटी है. अब ये इम्यूनिटी कितने दिन रहेगी, इम्यूनिटी का मतलब है कि अब सेकेंड टाइम आपके अंदर अगर वायरस आएगा तो आपको उतना घातक इन्फेक्शन नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाओगे. वो समझने के लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो समझाया हुए है री इन्फेक्शन वाला. सो री इन्फेक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सेकेंड इन्फेक्शन में बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, ये डिपेंड करेगा कि एंटीबॉडी टाइटर कितना है, कितने सारे एंटीबॉडीज आपके सिस्टम ने बना के रखा है. जिसके अंदर ज्यादा एंटीबॉडीज वो उतना सेफ, जिसके अंदर कम एंटीबॉडीज उसको फिर भी वो पहले से तो सेकेंडरी सेफ है ही. सो वो सेफ्टी लेवल आ जाता है, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी टेस्ट. यही हो रहा है इटली में, जहां पर अभी इम्यूनिटी टेस्ट करके लोगों को इम्यूनिटी पास दिया जा रहा है कि आपके अंदर IgG एंटीबॉडीज है, IgM नहीं है, तो मतलब आपके अंदर कोरोना वायरस आया, आपको कुछ हुआ नहीं, आप बच गए, अब आप सेफ हो, अब आप बाहर घूम सकते हो, अब आप जॉब में जा सकते हो, आपके पास इम्यूनिटी पास है. सो ये रैपिड टेस्ट के IgG के बेसिस पे आपको रैपिड इम्यूनिटी टेस्ट करके इम्यूनिटी पास दिया जा रहा है इटली में. हो सकता है ऐसे ही कुछ इंडिया के अंदर भी हो, चाइना के अंदर भी हो, ये नहीं कहा जा सकता, US के अंदर भी हो. सो दैट्स वॉट इट सेल्स. तो अगर इसकी पॉजिटिव नेगेटिविटी, इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट के एक्यूरेसी की बात करी जाए, पहली बात पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, मतलब अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव आता है मतलब आपके अंदर वो एंटीबॉडी मिले. नेगेटिव आता है तो जरूरी नहीं है कि एंटीबॉडी आपके अंदर नहीं है, समझ रहे हो. यानी अगर नेगेटिव भी आया तो इसका मतलब, क्योंकि एंटीबॉडी तो पहले वायरस अंदर जाएगा, फिर अपने दस दिन चौदह दिन तक इंक्यूबेटर पीरियड के बाद एक्टिव होगा, उसके बाद फिर इम्यूनिटी जनरेट होगी, फिर एंटीबॉडी बनेगी. तो हो सकता है आपने पहले ही टेस्ट कर लिया इस टाइम के दौरान, तो एंटीबॉडी है ही नहीं लेकिन वायरस है. तो इसलिए एक नेगेटिव टेस्ट का हम पक्का नहीं बोल सकते कि आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं है. अगर नेगेटिव भी है सीरोलॉजिकल रैपिड टेस्ट और आपको सिम्टम है, तो आपको फिर टेस्ट कराना पड़ सकता है अपना नॉर्मल वाला जो मॉलिक्यूलर टेस्ट, PCR टेस्ट.
ताकि आप कंफर्म कर सके। बात समझ रहे हैं कैसे होता है? तो ये सिर्फ एक टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये टेस्ट, क्लिनिकल सिम्टम्स, डॉक्टर जो आपको देख रहा है उसका, उसको क्या लग रहा है, उसका उसका एक्सपीरियंस, उसका नजरिया, उस पर डिपेंड करता है। सो ये वाला जो रैपिड टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है, ये FDA से अप्रूव्ड हो चुका है। नेगेटिव रिजल्ट्स डू नॉट रूल आउट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नेगेटिव आ गया तो आपको कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। सो इसलिए सबका इन्फेक्शन में टेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर हम टेस्ट करते हैं तो हम इम्यूनिटी के लिए कर सकते हैं कि IgG एंटीबॉडीज तो नहीं है। IgG एंटीबॉडीज अगर आ रहा है दैट मीन्स इन्फेक्शन होकर ठीक हो गया। सो पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी because of IgG and IgM infection. So that is very, very important. और coronavirus के जो strains हैं, उन दूसरे वाले से भी positive आ सकता है results में। याद रखिए, SARS-CoV-2 के अलावा भी coronavirus के strains हैं, जैसे HKU1, NL63, OC43, 2291, जी हाँ, ये सब logical term में आप छोड़ दो। बेसिक समझना है कि एंटीबॉडी कोरोना वायरस के खिलाफ इसने पकड़ा, तो ये जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। सो इसीलिए अभी और स्पेसिफिक टेस्ट आएंगे, और इसीलिए ये सारे के सारे दुनिया भर में नहीं किए जा रहे, इसीलिए इसको इंटरनेट से घर पे खरीद के करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता आपका घर पे खरीद के करने का, और कोई मतलब नहीं बनता इसको उस तरह से करने का, राइट। ऑल्दो ये टेस्ट का कॉस्ट कम है, और इसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि इसमें नेगेटिव आया तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। सो ये दो प्रकार के टेस्ट हैं, और जो हो गया रैपिड टेस्ट सीरोलॉजिकल, IgE, IgG और IgM एंटीबॉडी वाला, और जो हमारा दूसरा टेस्ट है PCR टेस्ट, जो हमने ऑलरेडी आपको पहले एक बार बहुत डिटेल में बता चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो। जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है और बढ़ता जाता है, अल्टीमेटली डॉक्टर का डिसीजन होता है कि उसको कौन सा इन्फेक्शन लग रहा है, कौन सा इलाज करना है, किस प्रकार का करना है। सो यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर एंड देन दैट डॉक्टर डिसाइड्स व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर यू। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस टॉपिक, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।